सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। सूर्य चंद्रमा का सम सप्तक योग आठ राशि वालों के लिए रहेगा बहुत खास। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों 4 दिसंबर 2017 को सूर्य और चंद्रमा आमने सामने रहेंगे। इस कारण से सूर्य चंद्रमा का सम सप्तक योग निर्मित हो रहा है, क्योंकि सूर्य में आमने सामने जब सूर्य चंद्रमा रहते हैं तो ऐसी स्थिति में सम सप्तक योग निर्मित होता है। सम सप्तक योग जब बनता है तो ऐसी स्थिति में कार्यक्षेत्र के लिए विशेष लाभदायी स्थितियां निर्मित होती है, क्योंकि ग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया है और चंद्रमा को रानी कहा गया है। और राजा रानी जब आमने सामने होते हैं तो कार्य क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है, कार्यक्षेत्र में कई उपलब्धियां भी प्राप्त होती है। तो मित्रों हम आपका दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं और इसमें आठ राशि वालों को विशेष लाभ का संयोग निर्मित हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों से सुख और ताकत मिल सकती है, नया दौर भी आपका शुरू हो सकता है। जीवन साथी से किसी खास विषय में बात करने की इच्छा हो सकती है। धन कमाने के नए मौके आपको मिल सकते हैं। कामकाज में मन लगेगा, आपका उत्साह भी बढ़ सकता है। दूसरों के साथ, पराये लोगों के साथ अपनापन महसूस कर सकते हैं और साथ ही साथ परोपकार की भावना आपके अंदर जन्म लेगी, जिसके कारण आपके भी कई काम होने लगेंगे। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। कंफ्यूजन आपका खत्म हो सकता है। अचानक कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। नौकरी या बिजनेस में आपको कुछ नई बातें पता चल सकती है या नया तरीका भी आपके दिमाग में आएगा। उलझी हुई स्थितियां आज सुलझ सकती है। परिवार का माहौल बदल सकता है। यदि अविवाहित लोग हैं तो उनके रिश्ते आने का योग बनेगा। आपके कार्यक्षेत्र को परखा जाएगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और जो आप कार्य करेंगे उसकी सराहना भी की जाएगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। जीवन के रहस्यपूर्ण मामलों में रुझान बढ़ सकता है। कोई कठिन या गुप्त बात आपको पता चल सकती है। खुद को पॉजिटिव रखें, यह आपके लिए खास रहेगा। अपने से छोटे लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं। आर्थिक मामले आपके सुलझ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा। किसी काम के लिए आज आप ज्यादा उत्साहित होंगे और उसमें आपको सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज आप धैर्य रखें और सभी काम आप मन लगा करके अवश्य करें। आपके मित्रों के माध्यम से कई काम आपके सफल होंगे, जो खास करके आप उनके जरिए ही पूरा कर सकेंगे। आप गुप्त रूप से जो है एक्टिव हो सकते हैं और साथ ही साथ आपको आने वाले दिनों में नौकरी या बिजनेस से भी कुछ लाभ होने का योग बन रहा है। कार्यक्षेत्र में नई योजना बनेगी, धन लाभ का उत्तम योग बनेगा। जीवन साथी की मदद से आप हिम्मत को आगे बढ़ाएंगे और अपने कार्य क्षमता को आप परखेंगे और इससे आपको जो है एक नई सफलता, नया आयाम मिल सकेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। रुके हुए काम पूरे करने के लिए कोई पहल करने का दिन है। बड़े लोग और पब्लिक से संबंध बनाकर चलने में फायदा हो सकता है। आज आपको कोई अच्छा या बड़ा पद भी मिल सकता है। किसी बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय आपको न्यूट्रल रहना ही आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा की स्थिति के कारण ज्यादा मेहनत के साथ आपको फायदा हो सकता है। पैसों से जुड़े किसी मामले में उलझे तो हिम्मत न हारे, काम पूरा करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। धैर्य रखें, खुद को संयमित रखने की कोशिश करें। नए और बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। जीवन साथी से आपको जो है प्रेम मिलेगा। योग्यता और अनुभव के आधार पर आप कार्य करेंगे। आज आप व्यस्त रह सकते हैं। कुछ लोगों के साथ अनबन या वैचारिक मतभेद भी आपके हो सकते हैं। आपका मूड भी आज बदल सकता है। कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच ले। आपका
कोई गलत निर्णय आपके लिए परेशानी का कारक हो सकता है, इसलिए जो भी काम करें सोच समझ करके अवश्य करें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। सोचे हुए काम आपके पूरे होने से खुशी मिलेगी। कुछ नया करना चाह रहे हैं तो कर ले, इससे आपको मदद मिल सकती है। स्फूर्ति महसूस होगी, अपने जोश पर कंट्रोल करें। आप थोड़े सहज भी रहे, जो काम जितनी शांति और ध्यान से निपटाएंगे उतने ही सफल हो सकते हैं। पैसों की स्थिति में सुधार होने का कोई मौका भी आज आपको मिल सकता है। आपके मूड और सेहत में भी बदलाव हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आने वाले दिनों में आपके लिए काम के साबित होंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। पैसों की स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम की भी संभावना ज्यादा है। आमदनी बढ़ने के बावजूद आप कम खर्च करने की कोशिश करेंगे। कोई नजदीकी व्यक्ति आपके तनाव को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। कामकाज में आपको मदद मिलने की संभावनाएं बन रही है। धीरे धीरे आपके सुलझे हुए मामले भी उलझ सकते हैं। जो काम जरूरी है उनकी सिर्फ योजना बन सकती है। संपत्ति के कामों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपके साथ कुछ अनचाही परिस्थितियां भी बन सकती है। परिवार निजी जीवन में पैसों के मामले में आपको नया फैसला लेने से भी बचना चाहिए। पैसों को लेकर जीवन साथी से अनबन होने का योग बन रहा है। आज आप हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ा दीजिएगा। और जीवन साथी के लिए समय निकाले। लगातार बढ़ती दूरियां आपके संबंध को बिगाड़ने का योग बना सकती है। बिजनेस में उधार लेने देने से या कुछ फैसले लेने के कारण आपको नुकसान हो सकता है। कुछ विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखें। चोट या दुर्घटना का योग बन रहा है। संभल करके रहे, कोई पुरानी चोट है तो वो बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कैरियर में बदलाव के मामले में दिन अच्छा हो सकता है। आज बनाए गए कार्यक्रमों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और किसी महिला मित्र की मदद से आपको सफलता मिलने का उत्तम योग बन रहा है। कोर्ट कचहरी के काम पूरे होंगे। रिश्तों के मामलों में नई शुरुआत के लिए भी समय अच्छा है। किसी खास काम के लिए नई शुरुआत भी हो सकती है। आज आप विवाद में उलझने से बचे। मौज मस्ती के कार्यक्रम में खर्चा हो सकता है। पैसों से जुड़ा कोई मामला उलझ सकता है। आप वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करें। लोगों के विवाद और उलझे हुए मामलों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आराम का मौका आपको जरूर मिल सकता है। पैसों से जुड़े कुछ खास मामले सुलझ सकते हैं। नए विचार आपके दिमाग में रहेंगे। आप पर कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ सकती है। किसी के साथ लंबी बातचीत होने के योग है। अचानक धन लाभ का उत्तम योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे होने की संभावना है। परेशानियों से निपटने के लिए दिन अच्छा है। सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई नया ऑफर भी आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज आप जोश में रहेंगे। जो सोचेंगे वो काम पूरा करने के लिए मेहनत भी करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। दोस्तों की मदद आपको मिल सकती है। अपने टारगेट पूरा करने की प्लानिंग कर सकते हैं। पुराने उलझे हुए मामले सुलझाने की कोशिश करने में बहुत हद तक आप सफल भी होंगे। पुराने कामों का अच्छा फल भी आपको मिलेगा। शुभ कामों पर ध्यान देंगे तो खुशी मिलेगी। बिजनेस के मामलों में दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। निवेश और पैसा बचाने के कई विचार आपके दिमाग में रहेंगे। आज आप कैरियर से जुड़ी कई नई प्लानिंग कर सकते हैं। अविवाहित है तो आपके विवाह की बात तय हो सकती है। आज आप ज्यादा भावुक हो सकते हैं। परिवार के साथ अच्छे माहौल में समय व्यतीत होगा। पैसे संभाल करके रखें। अधिकारियों से मदद आपको मिल सकती है। संबंधों में सुधार होने के योग बन रहे हैं। यात्रा के भी उत्तम योग बन रहे हैं। और गोचर कुंडली के चतुर्थ स्थान में चंद्रमा होने से कुंभ राशि के लिए थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। भावुकता में आप कोई ऐसा फैसला न करें जिसके कारण आपको आने वाले दिनों में दुखी हो। आप झूठ बोलकर परेशानी में उलझ सकते हैं, जिससे काम आपके बिगड़ सकते हैं। कड़वी बातें बोलने से बचे। कोई प्लान न बनाए। फायदा तो दूर, नुकसान होने की संभावनाएं भी नजर आ रही है, इसलिए आप सावधानी रखें तो आपके लिए दिन उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की।
अपने कामों पर ध्यान दें। आज कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की सफलता का योग बन रहा है, आपको लाभ होगा। खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करें, अपने हर काम को एकाग्रता से और तालमेल से पूरी करने की कोशिश करें। कोई कार्यक्रम तय करें और उसके अनुसार ही काम करें, थोड़े समय में सब ठीक भी हो सकता है। पूरे दिन मन में कुछ न कुछ चलता रहेगा, खास लोगों से आपकी मुलाकात होने का योग बन रहा है। तो मित्रों, हमने यह 12 राशि का दैनिक राशिफल आपको बताया है, हमें उम्मीद है राशिफल आपको अवश्य ही पसंद आएगा। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।